हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ तानिका को कवाई का एपिसोड 2 लेके। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर देना एंड चलो स्टार्ट करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई टीचर कुछ सिखा रहा होता है और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, जो कि एक शो होता है जिसे सुकासा देख रही होती है। उसे देख के नासा कहता है इसमें काफ़ी बहुत प्रॉब्लम है, इसके कुछ आंसर और क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो सुकासा थोड़ी हैरान होती है और कहती है, क्या तुमने अपने टीचर को बहुत परेशान किया होगा। वो थोड़ा पास्ट का सीन देखता है जहाँ पर उसकी टीचर हैरान होती है और फिर वो कहता है, हाँ शायद किया था। अब सीन चेंज होता है एक टीचर की तरफ और जो कह रही होती है, इस बार का ब्रॉक एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत डाउन आया है। पहले एक लड़का था जो अपने स्किल से अकेला सबको ऊपर ले गया था, एंड वो नासा को इमेजिन करने लगती है। उसके बाद ही तुरंत ही उसके पास एक टीचर आता है और वो कहता है, मैंने जो आपको काम दिया था वो ख़त्म हुआ या नहीं। और वो कहती है, मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके दे दूँगी। उसके बाद वो सोच रही होती है कि मुझे हमेशा काम करना पड़ता है और मैं करती रहती हूँ, जबकि यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छी सैलरी भी नहीं मिलती। फिर वो स्कूल के बारे में सोचती रखती है, पीटी वगैरह के बारे में, और बाद में थोड़ी देर बाद काम ख़त्म करती है और खड़ी हो जाती है। तभी एक टीचर आता है, क्या आप मेरे साथ पार्क में चलना चाहोगी। एंड वो कहती है, क्या तुम ले जाना चाहते हो। एंड वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास बस टिकट थी तो मैंने सोचा कि आप चले मेरे साथ। एंड वो कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। और ऐसा कह के वो चली जाती है टीचर। और नेक्स्ट सीन में वो कुछ सामान खरीद के निकल रही होती है, तभी नासा उसे आवाज़ लगाता है। एंड वो नासा को पहचान लेती है और कहती है, नासा तुम क्या कर रहे हो आजकल। एंड नासा कहते हैं, कुछ भी नहीं। वो कहती है, क्या तुमने कॉलेज जाने के बारे में नहीं सोचा हाई स्कूल के बाद। वो कहता है, मैं चाहता था जा सकता था। बाद में तुरंत ही वो टीचर उसके हाथ में एक रिंग देखती है एंड कहती है, तुम्हारे फिंगर रिंग में कुछ है। उसके बाद नासा कहता है, मेरी शादी हो गई है और ये एंगेज रिंग है। तो वो टीचर सोचती रहती है, क्या इसकी शादी हो गई, क्या किसी ने उसे बहला फुसला के शादी की होगी, या फिर वो लड़की कैसी होगी। और तभी कुछ नासा कहने वाला होता है और टीचर उसे बोलने देती नहीं है और कहती है, मैं तुम्हारे घर आना चाहती और तुम्हारे वाइफ को देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो घर पहुँचे होते हैं और सुकासा खड़ी होती है और सुकासा कहती है, ये कौन है। तो नासा कहते हैं, मैंने एक टीचर का मेंशन किया था ना, ये वही है। और उसकी टीचर उसे देखती है और वो कहती है, तो फिर ये है युजाकी की वाइफ। और नासा को कोहनी मारते हुए कहती है, ये काफ़ी क्यूट है। और सुकासा उन्हें देखती रहती है। अब ये तीनों बैठे हुए होते हैं और नासा कहता है, ये है मेरी होम रूम टीचर। और उसकी टीचर कहती है, मेरा नाम है यनागी नाओको। और सुकासा कहती है, मेरा नाम है युजाकी सुकासा। एंड वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं, आपसे मिलके खुशी हुई। और नासा थोड़ा अजीब तरह से उन लोगों को देख रहा होता है। अब टीचर कहती है, मैंने जैसा सोचा था ये वैसी नहीं है नासा। नासा कहता है, आपने क्या सोचा था। अब टीचर मन में सोच रही होती है कि इसने इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों की होगी। और फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी टीचर के पेट से आवाज़ आती है। तो सुकासा कहती है, वैसे हम डिनर करने वाले हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। पहले तो वो मना करती है और फिर मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो खाना खा रही होती है और कहती है, ये काफ़ी डिलीशियस है, तुम काफ़ी अच्छा खाना बनाती हो। और नासा ऐसा खाना रोज़ खाता है, एंड मैंने ऐसा खाना बहुत दिनों के बाद खाया है। और वो फिर खाना का मज़ा लेने लगती है एंड सुकासा की तरफ देखने लगती है और कहती है, मुझे इतनी जल्दी इससे पिघल नहीं जाना चाहिए। और फिर वो दोनों को बातें करते हुए देखती है एंड वो कहती है, अब मुझे समझ में आया, इसने इस खाने में प्यार डाला है। और थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद वो कहती है, नासा तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। तो वो कहता है, मैं सिर्फ जॉब करता रहता हूँ और थोड़ी और मेहनत करूँ तो और कमा सकता हूँ। और कहता है, बाकी का तो सब मेरा फ्यूचर सेल्फ सोच ही लेगा। अब वो सुन नासा की टीचर होती है थोड़ी हैरान, वो नासा एंड सुकासा को ही देख रही होती है। और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है एंड वो कुछ सोचती है और फ़ोन लगाती है उस टीचर को जिसने उसे पार्क के बारे में पूछा था और कहती है, क्या तुम्हारे पास अभी भी टिकट है। एंड वो सामने वाला कहता है, क्या तुम अपने काम के बारे में नहीं सोचे। वो कहती है, वो तो मेरा सिर्फ फ्यूचर सेल्फ सोच ही लेगा। नेक्स्ट सीन में कनामे और सुकासा बातें कर रहे होते और तभी एक बंदा आता है और नासा के बारे में पूछने लगता है एंड वहाँ के रेट गुस्से में पूछने लगता है। और कनामे कहती है, ये कितना डरावना है। और सुकासा से कहती है, क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता। और सुकासा उससे कहती है, इस जैसों से मैं नहीं डरती, तुम डरती होगी। अब कनामे थोड़ी हैरान होती है
और सुकासा कहती है, या तो ना हो या फिर चलते बनो। और वो आदमी गुस्से से सारे चार्जेस पूछने लगता है। अब सुकासा भी गुस्से से सारा मेन्यू बताती है और उसमें से एक वो पसंद करता है। एंड सुकासा कहती है, जाओ टिकट लेके चले जाओ वहाँ पर। अब वो जाते जाते कहता है, कौन हो तुम वैसे? और वो कहती है, मैं नासा की वाइफ हूँ, अगर तुम नासा को हार्म पहुँचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और पीछे से नासा आता है एंड बोलता है, हे किंगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर कनामे कहती, क्या ये तुम्हारा कोई रिलेटिव है? तो नासा कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो कनामे कहती है कि नाम से पता चला। अब नासा उन दोनों को बताता है कि ये मेरा कज़न भाई है। और वो पूछता है, वैसे ये कौन है? और नासा कहता है, मिलो, ये मेरी वाइफ है सुकासा। एंड उसे देख के वो थोड़ा शॉक में होता है एंड वहीं पर इतना शॉक होता है कि बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गिंगा माफ़ी मांग रहा होता है सुकासा के साथ ऐसे बर्ताव के लिए, और नासा माफ़ भी कर देता है एंड पूछता है, वैसे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? और वो बताया कि नासा ने मेरी बहुत मदद की है काफ़ी चीज़ों में। और वो चीज़ें बताता है जहाँ पर उसने मदद की थी नासा ने उसकी, जिसके लिए उसका थैंक्स कहता है नासा को। एंड कहता है, क्या तुमने सच में शादी कर ली? और नासा हंसते हुए कहता है, हाँ शादी कर ली मैंने। वैसे वो कहता है, इतनी जल्दी और तुमने किसी को बताया भी नहीं? एंड वो कहता है, अगर तुमने सच में शादी की है तो किस करके दिखाओ अभी के अभी। और नासा को कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन सुकासा थोड़ी शर्माती है और नासा थोड़ा हंस रहा होता है। सुकासा एम्बेरेसिंग फील करती है और फिर मान जाती है और दोनों किस करने वाले ही होते हैं। और तभी वो जिंगा कहता है, नहीं नहीं रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन हो गया। अब नासा पूछता है, ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ आए क्यों थे? और वो और दो लोगों को बुलाता है जो उसके दोस्त होते हैं, और फिर वो लोग कुछ रख के वहाँ से चले जाते हैं। एंड वो बताता है कि मुझे कहीं से एक बिल्ली मिली थी और मैं इसको वहीं पे छोड़ने वाला था खाना खिलाने के बाद, फिर मुझे पता चला कि किसी जानवर को पास रख के छोड़ देना एक वायलेंस है। तो हमने इसके ओनर को ढूंढने के लिए पर्चे भी बांटे एंड नया ओनर की ढूंढने की कोशिश भी की। फिर मुझे याद आया कि तुम भी कैट रखते थे पहले और तुम्हें उसे अच्छे से ध्यान रखा था। तो वो सुकासा कहती, क्या तुम कैट रखते थे? एंड नासा कह रहा है, तो फिर तुम्हें पहले से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एंड जिंगा फिर उसके दोस्तों को बुलाता है और गाड़ी निकलवाता है। उसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें कैट का नाम पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता कैट के बारे में। कैट उनको देख के थोड़ा गुस्सा कर रही होती है और फिर डॉक्टर के साथ खेलने लगती है। पहले उसे सुकासा ध्यान से देखती है और वो देखती है कि उसके शरीर पर एक मार्क है जो कुछ कुछ टोस्ट के ऊपर बटर जैसा लग रहा था। तो वो कहती है, क्यों ना इसका नाम टोस्ट रख दे। नासा कहता है, ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अब नासा कैट की तरफ देखता है तो कैट गुस्सा करने लगती है और नासा बेचारा थोड़ा उदास हो जाता है। उसके बाद जिंगा आता है और कहता है, मुझे कैट के लिए क्या चीज़ें चाहिए वो बताओ। तो नासा उसे बताने लगता है, जो वो कहता है मैं सब कुछ ले आऊँगा। फिर वो कहता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है कैट्स के बारे में, और उसकी कैट्स की नॉलेज बताने लगता है और वो लिखने को कहता है और वो लिख पाता नहीं है सामने वाला, और दौड़ते हुए सारी चीज़ें लेने चला जाता है। सुकासा पूछती है, तुम्हें कैट के बारे में काफ़ी नॉलेज है? नासा कहता है, हाँ मुझे है। और फिर वो दोनों डॉक्टर के पास वापस जाते हैं। अब सुकासा कैट को अपने हाथ में उठा लेती है। नासा जैसे उसके तरफ जाता है तो कैट उसे भगा देती है। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग सो रहे हुए होते हैं और कैट नासा के पास आती है और उसे उठाती है। तो नासा को लगता है कि इसे भूख लगी है और वो उसे खाना खिलाता है और कैट खाना खा के निकल जाती है और फिर सुकासा के पास जाके सो जाती है। अब सुबह को सुकासा कह रही होती है, ये तुम पे ट्रस्ट करती है, इसे भी मेरी तरह अटेंशन चाहिए। तो नासा कहता है, क्या तुम्हें अटेंशन चाहिए? और सुकासा उस कैट को साइड में रख के कहती है, हाँ मुझे चाहिए। एंड उसे कैट को ऊपर करती है और नासा कहता है, क्या तुम मुझे किस करोगी? एंड वो तैयार हो जाती है किस करने के लिए। जैसे वो दोनों किस करने वाले होती है और तभी आ जाती है कनामे। अब नासा किस नहीं करता है और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों उसे खाना खिला रहे होते हैं कैट को। नासा मन में कहता है, नहाने के बाद इसकी फ्रेग्रेंस और भी अच्छी लगती है, और उसके हाथ पे हाथ रख देता है। तभी सुकासा कहती है, तुमने मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया है? वो कहता है, नहीं नहीं मैंने इसलिए नहीं बुलाया था। और वो उसके कंधे पर सर रख देती है और वो दोनों किस करने वाले ही होते और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और वो कैट उन्हें देख रही होती है तो नासा उसे दूसरी तरफ देखने को कहता है, लेकिन कैट उन्हें देखती है और नासा के हाथ पे
चढ़ जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो गाइस कैसा लगा ये एनिमे एक्सप्लेन, और वीडियो चाहिए तो यार चैनल सब्सक्राइब करो और ग्रो होने में मदद करो। तब तक के लिए सायनारा।